नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था गुप्ता अभिषेक हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट देखती हूँ। मैं आज आपको दांतों से संबंधित एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बताना चाह रही हूँ। उसमें मसूड़ों की बीमारी को हम लोग पायरिया के नाम से भी कहते हैं, और अगर हम लोग डॉक्टर लैंग्वेज में बोलें तो उसको जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस भी बोला जाता है। ये बीमारी क्यों होती है? क्योंकि रेगुलरली ब्रश नहीं करा जाता है और इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कई लोगों में, कई सोसाइटीज़ में, जहाँ की अपने को रेगुलरली डेंटल चेकअप कराया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या अपने को दिखता है इसके अंदर, मतलब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। मेनली होता है कि आपके दांतों में डिपॉजिट्स हैं, ब्लीडिंग हो रही है गम से जब आप ब्रश कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि मुंह से बदबू आ रही है, जो सामने बैठा है उसको भी फील हो रहा है और ख़ुद को भी फील हो रहा है। फिर अपन अगर आगे बढ़ें तो पेरियोडोंटाइटिस में होता है कि अपने मसूड़े से दांत हिलने लग जाते हैं अपने आप में। एज बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन बहुत अच्छी है, लेकिन दांत धीरे धीरे करके हिलने लग गए, तो वो कॉमन प्रॉब्लम लेके पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं। इन सब का जो एक कॉमन इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो ये है कि अपन लोग इसकी स्केलिंग और पॉलिशिंग करें। दांतों की सफाई होती है, उसके बाद में अगर ज़्यादा पेरियोडोंटाइटिस फैला हुआ होता है तो अपन लोग उसके अंदर मसूड़ों तक की में सर्जरी भी करते हैं। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन जो इसका इलाज है वो ये है कि टाइम टू टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। तो अपने मसूड़ों की हेल्थ के लिए, अपने दांतों की हेल्थ के लिए, सब चीज़ के लिए टाइम टू टाइम ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 बार दिन में ब्रश करें, माउथ वॉश का यूज़ करें, और अगर कोई भी तकलीफ ऐसी है या इससे संबंधित, दांतों से संबंधित कोई तकलीफ है, तो हमसे ज़रूर संपर्क करें अभिषेक हॉस्पिटल में। धन्यवाद।